नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आज आपके टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जो 1.4 है। 1.3 तक हम एक एक चैप्टर वाइज वीडियोज दे रहे हैं मैथ के 10th NCERT के। तो 1.4 का आज हम ये सोल्यूशन लेकर आए हैं NCERT का, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो आप पढ़ सकते हैं। पूरा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 1 से लेकर के यहाँ देखिए 10 तक पूरा टोटल जितने भी हैं इसको हल कर कैसे किया जाएगा सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। और आपको हम ये बताना चाहते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको 10th और इंटर जो कुछ भी परीक्षा है सारे सब्जेक्ट के प्रश्नों का हल सॉल्यूशन, चाहे मैथ, चाहे केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, कुछ भी हो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वीडियो डाल रहे हैं। इंटर के भी इंटरव्यू जो भी स्टूडेंट हैं उनसे आप जा करके संपर्क करके आप उनसे इस चैनल पर जोड़ सकते हैं। उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज दे रहे हैं, उस अभी तो हम चैप्टर वाइज दे रहे हैं, उसके बाद हम एक एक करके सभी सारे प्रश्नों का सोल्यूशन एक ही वीडियोज में देंगे, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो भी 100% गेसेस रहेंगे जो परीक्षा में आने लायक रहेंगे, तो उसको आप बाद में देख लीजिएगा। तो पहले भी चैप्टर वाइज हम सारी चीज़ें हल करेंगे, बाद में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सभी सब्जेक्ट के डाल देंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका पहला क्वेश्चन ये है, आपका जैसा हल है इसमें क्या बताना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए, जो है लंबी विभाजन जो होती है उसकी प्रक्रिया ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या शांत है या अशांत है। आपको शांत और अशांत बताना है कि आपका जो भिन्न दिया हुआ है, जो आपका ये सवाल दिया हुआ है अशांत है कि शांत है, शांतवर्ती है या अशांतवर्ती है। इसके लिए हम आपको जो सोल्यूशन लेकर आए इस विधि द्वारा किस विधि द्वारा हल करना है कैसे, तो हमें जैसे कि 13 है अंश में और 3125 है हर में। तो हमें क्या करना है कि 13 का तो गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसका तो कोई गुणनखंड नहीं, पर हम अगर हम 3125 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड आप जैसे कि सामने देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 5 × 5 × 5 × 5 × 5 यानी 5 का 5 5 पावर आ गया, 5 पावर में आपका आ गया जो कि ए 3125 यानी 3125 का अभाज्य गुणनखंड है। तीन गुणनखंड को हम क्या करेंगे, आपको लिखा हुआ जैसे जैसे करना है। अगर हम टोटल सारी वीडियोज बताएंगे, सारी सवाल बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको बोर कर देगा, इसलिए आप इसको हल कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो हमको आप कमेंट करिएगा, हम उसको फिर से हम बना देंगे कोई पर्सनल वीडियो, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आराम से समझ जाएंगे, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे देखिए कि हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या P अपान Q होता है जो कि परिमेय संख्या के रूप में, जहाँ P और Q सहअभाज्य है। यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2m/5n के रूप में है, जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो उसका दशमलव प्रसारण शांत होगा, यानी कि जो आपका अभाज्य गुणनखंड 5 × 5, क्योंकि यह एक गुणनखंड 5n के रूप में है इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस तरह से है। अब अगर हम दूसरा देखेंगे तो दूसरा देखते हैं, इसको भी 17 और 8 का, तो 8 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, जो ये भी शांत होगा क्योंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड 2/3 है, तो अभाज्य गुणनखंड इसका हो जाएगा। इसी तरह हम इसमें देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा फंसने में क्योंकि ये अशांत है। आप इसमें अगर 455, क्योंकि हमें हर का निकालना है, तो हर का निकालेंगे अगर तो 455 का गुणनखंड निकालेंगे तो 4 × 7 × 13 आ जाएगा। तो इसको अभाज्य गुणनखंड में हम देखते हैं तो क्या होता है, 2 × 2 m और 5 × n के रूप में नहीं है, इसके रूप में नहीं है, तो हम इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा क्योंकि ये अशांत भिन्न है, इसको अशांतवर्ती में हम रखेंगे। तो इस तरह से आप ये इसमें 10 क्वेश्चन आप हल कर लेना। इधर 1600 गुणनखंड एक एक करके हम खिसका रहे हैं, आप एक एक पॉज करके वीडियो लिख लीजिएगा कौन शांत है कौन अशांत है और आप हल कर लीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, चैनल का नाम आपको यहाँ पर शो कर रहा है, ये देखिए टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को आप आराम से नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद आप
समझने की कोशिश करिएगा तो आप समझ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न आता है जो कि यहाँ पर सामने है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला प्रश्न। इसमें प्रश्न है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। शांत और अशांत इसमें छाँटना है, तो शांत और अशांत आराम से कैसे छाँटेंगे? हम अगर हर का गुणनखंड करते हैं तो जो ऊपर दिया गया था प्रश्न उसी को आपको लिखना है, यानी कि जो आपको ऊपर दिया नहीं गया था टोटल 10 जो थे वही उसी का आपको शांत और अशांत के रूप में लिखना है कि क्या होता है, इसका उत्तर क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि वही इसमें 5 आया, 5 की घात 5 आया, 5 और तो 2 की घात 5 में चेंज हो जाएगा, तो 2 की m और 2 की n पावर में चेंज हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर देखिए ये चीज़ हो जा रहा है, यानी 13 गुणे 32 जो ये इसको हल करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद 5 गुणा 2 के रूप में घात में आ गया है यहाँ पर। अब इसको अगर हम विभाजित करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, समझ जाइएगा, बहुत आराम से समझ जाओगे। 2 गुणा कितना है? 3 बार है, तो 2 को पावर 3 होगा। इसको अगर हम चेंज करते हैं कि 5 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस तरह हो जाता है। एक एक करके आप समझने की कोशिश करिएगा, आराम समझ जाएंगे। अगर समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबी बन जाएगी। आपको हम सोल्यूशन दे रहे हैं, सोल्यूशन आप नोट करके आराम से समझने की कोशिश करिए, समझ जाओगे। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और हम इसके बाद तो भी एक एक वीडियो चैप्टर वाइज डाल रहे हैं, इसके बाद हम ऐसा क्वेश्चन मतलब ऐसी वीडियोज आपको प्रोवाइड कराएंगे कि उसमें हम हर एक पार्ट की 1-2 क्वेश्चन आपको समझाएंगे, आपको पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं। आप चिंता मत करिए कि अभी हम कुछ नहीं बता रहे हैं तो हम इसको जानते नहीं हैं या हम इसकी और विधि नहीं जानते, विधि इसकी बहुत है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम सोल्यूशन दे रहे हैं। हम आपको जब अगला वो दूसरी टाइप का वीडियो यानी चैप्टर वाइज ये वीडियोज हम समाप्त कर दें आपको काम भर के लिए हो जाए पूरा, तो हम वीडियोज बीच बीच में लाएंगे जिसमें आपको हम इस तरह हल करेंगे हर एक पार्ट के। पहले पार्ट का आपको 1-2 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, 1-2 क्वेश्चन डालेंगे, हर एक पार्ट का 2-3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन डालेंगे। उतने 4 क्वेश्चन को आपको हम समझाएंगे और समझाने से आपको आ भी जाएगा, ये गारंटी है आ भी जाएगा और पेपर में भी आ जाएगा। ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। उस वीडियोज़ को और जरूर देखिएगा, उसके लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। अगला देखिए, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पी के रूप में की है तो क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं, यानी सात अशांत अशांत के रूप में इसे जैसे व्यक्त करते थे तो उसी का पता करना है कि आपको अशांत है कि शांत है, कौन सी आवर्ती है अनावर्ती है, आपको चेक करना है और वही विधि वही है। तो इस तरह से ये आपका 4 पेज में था, आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं अगर कहेंगे कमेंट करेंगे, पर उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डालेंगे तब जब आप कमेंट करेंगे तब, क्योंकि इसको PDF तैयार करें हैं, बस आपको लिंक बताना है, लिंक इसकी बनाना है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो वीडियो को रोक रोक करके सब चीज़ लिख सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर पसंद आए तो लाइक करके आप हर एक जगह शेयर कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो हाई स्कूल इंटर की वीडियोस पाने के लिए, हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर वाइज सोल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। आपको कोई पैसा कोई चीज़ देना नहीं है। अगर आप कोई भी आप हो किसी भी चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम आप लाइक जरूर कर दीजिए, हमारी नहीं हम सभी की वीडियो बता रहे हैं। लाइक करने से क्या होता है, आदमी जो बनाता है वीडियोज़ को हौसला मिलता है। और कमेंट कर दीजिएगा अच्छा बुरा जो कुछ भी हो, उससे पता चलता है कि हमारी वीडियो में क्या कमियां हैं और हमारी वीडियोज में और क्या सुधार करना है और आपको क्या चाहिए। कमेंट भी जरूर करना चाहिए और चैनल की अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अगर पाना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करके सारी चीज़ें जरूर कर दीजिए। तो आज तक के लिए वीडियो में इतना ही, और कंप्यूटर और मोबाइल संबंधी वीडियोज, टेक्निकल वीडियोज और रिपेयरिंग और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर संबंधी वीडियोज आपको पाना है तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वैसी वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।